बुंदेलखंड के महुआ में शादी की खुशियां दूल्हे की दहेज की मांग के कारण बेरंग हो गई। बारात न आने की खबर से दुल्हन की हल्दी की रस्म भी बीच में रोक दी गई, तो वहीं दुल्हन की मायूसी और परिवार के लोग इस बात से परेशान है कि दूल्हे ने एक बाइक और 50,000 के लिए बारात लाने से मना कर दिया। अब पूरा परिवार अपनी बेटी के ऊपर टूटे दुख के पहाड़ को देखकर परेशान है और दहेज लोभियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। हाथों में लगी मेहंदी और घर में शादी की तैयारी में जुटे परिवार, शादी के जोड़े से लेकर घर में रखा दहेज का सामान यह बता रहा है कि 7 मार्च को इस घर में एक बेटी की शादी होना है, लेकिन दूल्हे ने एक बाइक और 50,000 की मांग रखकर गरीब पिता के अरमानों पर दहेज का पानी फेर दिया और शादी की खुशियां सदमे और मायूसी में तब्दील हो गई। शहर के बजरिया इलाके में रहने वाला रशीद मजदूरी कर अपने परिवार को पाल रहा है, जिसने अपनी 4 बेटियों में से 2 की पहले ही शादी कर दी और तीसरी बेटी रोजी की शादी की तैयारियों में लग गया। गरीब पिता ने अपनी कमाई का एक एक तिनका जोड़कर दहेज का सामान इकट्ठा किया और बेटी की शादी झांसी निवासी फारूक के साथ तय कर दी। 10 फरवरी को दोनों की सगाई कर दी गई और परिवार में लोग बेटी की शादी की तैयारियों में जुट गए। 7 मार्च को घर में बारात आनी थी, ऐसे में शादी की रस्में घर में होने लगी। पिता और परिजन बताते हैं कि आज घर में रत जगा हल्दी की रस्म की तैयारी चल रही थी। मेहमान आ चुके थे और सभी लोग होने वाली शादी में वैवाहिक गीतों का भी आनंद ले रहे थे, लेकिन इसी दौरान शादी की खुशियों में सन्नाटा पसर गया। आरोप है कि दूल्हा फारूक और उसकी बहन ने दहेज के अलावा एक बाइक और 50,000 की मांग कर दी। यह सुनकर गरीब पिता के पैरों से जमीन खिसक गई और उसने ससुरालियों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन बाइक नहीं तो बारात नहीं, यह कहकर दूल्हे ने बारात लाने से इनकार कर दिया। आज हमारे यहाँ रत जगा था, हमारी बहन की शादी थी। हाँ। तो सर कानून क्या हो गया? फिर वहाँ से फोन आ गया, जहाँ से कह दिया था रिश्ता। अच्छा। फिर वहाँ से फोन आ गया कि हम बारात लेके नहीं आएंगे, शादी से इनकार कर दिया उन लोगों ने। अच्छा। सारे घर में मायूसी फैल रही। क्यों इनकार कर दिया? वो गाड़ी मांग रहे थे, 50,000 रुपये मांग रहे थे। पहले कुछ मांगना थी, पहले कह रहे थे कुछ भी जो कुछ दोगे आप हम ले लेंगे। बाद में गाड़ी मांगने लगे, पैसे मांगने लगे। हमारे पापा मजदूरी करते हैं। कितनी बहनें हो आसमान? हम 4 बहनें हैं। फिर क्या था, शादी की खुशियां मायूसी में बदल गई। जिस बेटी को दुल्हन बनना था वो सदमे में है। परिवार के लोग शादी का जोड़ा देखकर मायूस है। पिता बताता है कि उसने शादी की तैयारी को लेकर शादी के कार्ड तमाम रिश्तेदारों को बांट दिए, खाने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था भी कर दी गई, लेकिन अचानक दहेज की मांग कर उसे लाचार कर दिया गया। अब बारात लाने से मना कर दिया, जिससे परिवार ही नहीं बल्कि आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी इस बात से खासा गमजदा है और बार बार दहेज के लोभियों को कोसते नजर आ रहे हैं। अपनी लड़की की शादी झांसी मैं मंगनी की थी 10 तारीख को। घर पे आए थे, तय तवा हो गई थी कि मतलब मैंने कहा था कि मैं गरीब हूँ, जो मुझसे टूटा फूटा बनेगा वो मैं करूँगा। उन्होंने कहा था कि ठीक है कर देना। फिर जो है तो उनने अब मांग कर की बात की, अब सारी शादी की तैयारियां हो गई और यहाँ सब सामान वामान भी खरीद लिया गया। और जब उन्होंने देखा कि इनका पूरा इंतजाम हो चुका है तो कहने लगे कि कितना बेला दोगे, कितना टीका दोगे, कितनी पक्कियात दोगे, कैसी शादी करोगे, क्या करोगे। तो मैंने कहा ये तो कुछ बात नहीं थी, जो था तो मैंने कहा था जो टूटा फूटा मुझसे बनेगा वो मैं करूँगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है 50,000 रुपया और गाड़ी अगर नहीं दोगे तो शादी नहीं होगी। तो मैंने जो है उनसे जो है काफ़ी मिन्नतें मांगी, कहा कि कर लो, कहते नहीं होगी।
हम लोग सब घबरा गए, परेशानी हुई। तो घर में क्या कार्यक्रम था आज? हाँ, हल्दी की रस्म थी। अच्छा। रज जगह रिश्तेदार वगैरह आए थे? रिश्तेदार वगैरह आ गए। क्या क्या इंतजाम कर लिए थे शादी के आपने? शादी के कार्ड वगैरह और क्या? शादी के कार्ड पूरे लग गए थे, दहेज खरीद लिया था, बर्तन वर्तन खरीद लिए गए थे, सोफा उफा सब खरीद लिया गया था सामान, और टेंट टेंट और हलवाई और खाना, कच्चा खाना भी सब, गोश्त वोश्त वाले नानान वाले सब तय हो गए थे, पक्का भी हो गया था, सबका इंतजाम हो चुका था। दूल्हा आ रहा है बारात लेके कि नहीं? वो नहीं आ रहे, मना कर दिया। शादी कब की आपने? शादी 7 तारीख की, 7 मार्च। अच्छा, कौन कौन पैसे की मांग कर रहा था दूल्हा? वो यहीं आए थे घर पे और कह गए थे कि शादी नहीं होगी। क्या नाम है उसका, लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम फारूक है। सर, हम तो बहुत परेशान हैं इस समय, इतनी दुखी से। ये 10 फरवरी को सगाई हुई थी, उस समय बातचीत होने के बाद वो बोले कि आप गरीब हो, जैसा आपको बन जाए वैसा कर देना। इसके बावजूद जो कार्यक्रम होता है सगाई का वो हुआ है। इसके बाद तारीख भी पक्की हो चुकी, 7 मार्च की बारात आने की। फिर हम लोगों ने मिलजुल कर सारा सहयोग करके सामान खरीदना शुरू किया, कार्ड बंटवाना शुरू कर दिया हर जगह। इसके बावजूद शादी के 2 दिन, आज मंडप है तो 1 दिन पहले से इन लोगों ने डिमांड रख दी। इसके पहले क्या डिमांड थी? ये बोले कि जितनी भी बारात हमारी आएगी सारे बारातियों को जोड़ा लगेगा। हम लोगों ने उसका भी बोझा उठाने को राजी हो गए कि चलो ठीक है, उठा लेंगे। फिर इसके बावजूद फिर इन्होंने सोचा कि इनकी तैयारियां हो चुकी हैं। फिर वो बोले कि भाई ऐसा है, लड़का और उनकी बहन, गुड़िया बोलते हैं उसको, तो वो बोले कि भाई 50,000 नगद कैश लगेगा और एक गाड़ी लगेगी। तो हम लोग वहां पर गए, हमने इन लोगों से हाथ पैर जोड़ के मिन्नतें की कि जो भी हमसे गलतियां हैं उसको माफ़ करें और ये शादी मत तोड़ो, ऐसा ना बोलो कि बारात नहीं लाएंगे। लेकिन ना तो हम 50,000 रुपये देने लायक हैं, जितना हमसे बन सका उतना हमने कर रखा, जो लड़की के पक्ष में होता है वो हमने कर दिया, और देने के लिए लड़की से आगे कुछ नहीं है। आज क्या तैयारी चल रही थी? आज मंडप था जो रत जगह बोलते हैं, हल्दी की रस्म वो थी। काफ़ी रिश्तेदार आ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ मायूसी कि मारे सारा घर परेशान है। 2 दिन से कोई खाना खा रहा, कोई नहीं खा रहा। लड़की के पिता का क्या व्यवसाय है? लड़की का पिता मजदूरी करता है। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।